हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ कि MI UI के ऊपर अभी तक हमने वेट कर लिया, फरवरी में भी अपडेट नहीं आया। अब मार्च का अभी 6 तारीख हो चुका है, यानी कि 7 होने, आज का दिन जो है 7 तारीख है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मार्च में जो अपडेट आएगा, क्या वो फरवरी का और मार्च का दोनों पैच होके आएगा? हमें अपडेट क्यों नहीं मिला इंडिया में, जबकि अदर कंट्री में भी मिल चुका था। वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कुछ मेजर इशू नहीं था, बट सुनने में आया था कि हमारे MI A1 जो कम्युनिटी है, वहां पे सुनने में आया था कि अदर कंट्री में कुछ प्रॉब्लम के कारण तो हमारे जो अपडेट था यानी फरवरी का, वो सस्पेंड कर दिया गया है। बट आज मैं आपको कुछ चीज ऐसे बताऊंगा जो कि आप सुनने के बाद थोड़ा सा आप मायूसी होगा आपके दिमाग में कि यार ये भाई आज ऐसे क्यों बोल रहा है। मेरा कहने मतलब है कि जब MI 1 फोन लॉन्च हुआ था, आई थिंक अगर आपने वो लॉन्च इवेंट आपने देखे होंगे, आपको पता होगा। मैंने लॉन्च इवेंट नहीं देखा है, बट मैंने गूगल में जाके सर्च किया था एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के ऊपर कि कोई भी एंड्रॉयड 1 फोन उसको कितना अपडेट मिलता है और सिक्योरिटी पैच कैसे मिलता है, उसको अपडेट कहाँ कब तक मिलता है। तो वहां पे साफ साफ लिखा है कि मिनिमम कभी भी कोई गूगल कोई थर्ड पार्टी साइट को यानी थर्ड पार्टी कंपनी को अगर गूगल ने अपडेट दिया है तो वो स्टॉक एंड्रॉइड तौर पे, क्योंकि जो पिक्सल वगैरह आता है वो तो गूगल का हो गया, जो अदर कंपनी है सब उन्होंने गूगल के साथ टाई अप करके जो एंड्रॉइड का जो सीरीज लेते हैं अपडेट, तो उसको थर्ड पार्टी कहा जाता है। तो उसके चलते उन्होंने सिर्फ प्रोमिस करते हैं कि भैया ऐसा है कि हमने 2 साल तक उसका मेजर अपडेट देंगे, जो कि हर साल जो नए नए अपग्रेड वर्जन आएगा वो मिलेगा, साथ में मंथली सिक्योरिटी पैच देंगे तो उसका कभी बग फिक्स किया जाएगा, कई सारे जो इशू आता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम रह जाते हैं तो वो क्योर किया जाएगा। कितने सारे यूजर इतने परेशान है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर है ये तो आपको पता ही। तो उसमें कई आप आपके पास अगर MI 1 फोन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। मेरे फोन में कुछ इशू आ रहा था, लेकिन वो चीज माइनर नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो जो इस प्रॉब्लम आ रहा था वो कैसे सॉल्व करना है वो हम कर देते। कई सारे ऐसे यूजर है जो कि उनको अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि यार मेरे पास तो MI 1 फोन है और इसका ब्लॉर कैमरा बहुत अच्छा है, मैं इस फोन को साइड नहीं कर सकता, यानी सेल भी नहीं कर सकता कभी भी। वैसे वो उसका फ्रंट का शीशा फूटा हो, यानी कि क्रैक किया हो, बट उसको पीछे का जो बैकग्राउंड का बैक साइड का जो कैमरा है वो उसका अच्छा है, तो उसके थ्रू उसके साथ वो फोन के साथ लगा हुआ है। तो चीजें बदलता रहता है, डिवाइस चेंज होता रहता है, नए नए अपग्रेड वर्जन आता रहता है, बट पुराने चीज में वो कैपेसिटी नहीं होता इतना जो कि आने वाले दिन में उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम लोग उम्मीद ना रखे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग उम्मीद रखोगे किसी के ऊपर, अगर उम्मीद रखते हो वो पूरा नहीं होता, फिर आपको गुस्सा आता है। आप गुस्सा क्या करते हो, आप आगे किसी यूट्यूबर के वीडियो के कमेंट बॉक्स में गाली दे देते हो या उसके ऊपर गुस्सा जाहिर करते हो, ये जाहिर सी बात है। आप सोचो, आप लोग यूजर हो, आप वीडियो देखते हो, आपको जो अच्छा लगता है बुरा लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताते हो। आप सोचो अगर आपने किसी को गाली दे दे किसी की वीडियो में कि भैया तूने ये बोला था वो हुआ नहीं, भैया कंपनी की बात है वो अपने हिसाब से चलता है, बट हम थोड़ा जैसे उम्मीद लगाते हैं आप लोगों को जो भी चीज बताते हैं, ये मतलब ये नहीं कहते कि हम सारे झूठ बताते हैं आपको, लेकिन जो चीज बताते हैं उसमें से कहीं ना कहीं चीजें छुपा रहता है। कुछ चीजें ऐसे आप शेयर कर देते हो, कमेंट कर देते हो, तो उसमें क्या है ना, अगर अच्छे कमेंट करते हो तो दिल को सुकून आता है। अगर उसमें कुछ गलत गंदी बात बोल देते हो जो कि कंपनी को बोलना चाहिए, बट आप हमारे वीडियो के नीचे बोलते हो, उस टाइम हमें भी अंदर से कुछ फील आता है, यार हमने गलत कर दिया वीडियो बना के। बट छोड़ो, ये तो रही अलग बात। बात यह है कि अगर किसी के हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि फरवरी में आ जाए, आया नहीं। अभी तक मार्च का 7 तारीख हो चुका है, यानी कि आज 7 तारीख है, अभी देखते हो अब आया नहीं। अगर इनके साथ को मार्च में सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलता है तो भैया मान लेना चाहिए कि हमें आने वाले टाइम में अब कभी भी अपडेट नहीं मिलेगा, जो कि मंथली अपडेट। आप जितने सारे कॉमेंट्स करते हो कि मुझे लगता है यूट्यूब पर आज के टाइम में अगर किसी भी फोन के ऊपर में ज्यादा चर्चा होता हो वो सिर्फ MI 1 फोन के ऊपर, क्योंकि अपडेट नहीं आया, अपडेट कब आएगा, कब आ रहा है अपडेट, फरवरी का अपडेट नहीं आया, मार्च का आएगा, उसमें मिल के आएगा क्या, ऐसी तरह कई सारे सवाल आते रहते हैं। बट मैं यही कहता हूँ, सिर्फ अगर मार्च में अपडेट नहीं आया, जो कि उसका मंथली सिक्योरिटी अपडेट अगर नहीं आया, तो भैया उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। अगर आपको जानकारी है कुछ है तो कस्टम रोम यूज करिए, अदरवाइज आप उसी फोन को चलाते रहिए जब तक चल रहा है, चल रहा है नहीं तो फिर साइड में देखिए। बस एक छोटा सा ये शेयर करना था आपके साथ कि आप लोग दिमाग में ये ना बैठा दो कि हमें हर महीने अपडेट मिलेगा। हमें जो पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में हमने ये भी बोला था कि यार एंड्रॉइड 9 पे मिल गया, इसके बाद आपको दिसंबर 2019 तक आपको अपडेट मिलता रहेगा, बट उसके लिए माफी, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि जो चीज हमने उस टाइम बोला था MI कम्युनिटी के ऊपर हमने रीड किया था, जिससे डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने इस टाइप का सलाह दिया था कि भैया
अपडेट आता रहेगा, क्योंकि एमआई एंड्रॉइड 9 पे जब एमआई 1 पे आ गया तो दिमाग में सबका बैठ गया कि हाँ इसका जो यानी कि एमआई एंड्रॉइड 9 पाई को सही करने के लिए, यानी कि उसके अंदर जो भी कुछ बग वगैरह आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, उसे फिक्स करने के लिए आई थिंक 1 साल लग जाएगा, यानी कि 12 महीने तक आपको अपडेट मिलता रहेगा। बट ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए हमें भी अंदर से काफी दुख है हमें। बस आप लोगों को हम क्या बता सकते हैं, जो चीज हमारे साथ हो रहा है वो चीजें आप ही शेयर कर पाएंगे। अब यही बात कहना था मुझे आपको, और इतना सारा घुमा फिरे का आपको बताने का यही तरीका था कि आप लोग चीजों को समझो, और जो बार बार कमेंट्स करते हो भाई अपडेट कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो चीजें करना बंद कर दो। जब आएगा आपको वीडियो मिल जाएगा 101%। अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर रैम वगैरह इंस्टॉल करके हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका। तो आप अगर इतने दिन हमारे साथ जुड़े हो तो आगे चल के बहुत कुछ चीजें साथ में होता रहेगा, और नए नए रोम भी आएगा एम आई 1 के ऊपर, उसके ऊपर भी बताएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको मन में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम था उसको सॉल्व हुआ है, तो कॉमेंट कर देना और लाइक कर देना। वीडियो को शेयर करना है तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, बट अगर एम आई 1 यूजर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको जरूर टैग करना है वीडियो, यानी कॉपी करके उसको शेयर कर दो, व्हाट्सएप वगैरह जो भी जहाँ करना है आप कर सकते हो। बस मैं यही कहूंगा कि आप खुश रहिए और बस अपने वीडियो को देखते रहिए। मैं भी नए सब तक ले, बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।